हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोगों ने इस सीरीज का पहले एपिसोड नहीं देखी है, मैं आपको वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, एक बार जरूर चेक आउट करना। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखा सकते हैं। अब सोल लैंड एपिसोड 223 ट्रेलर की शुरुआत में श्रेक डेविल्स चाय का मजा लेते हुए बातें कर रहे होते हैं और यह लोग कई दिनों से फूड सप्लाई की तहरीदार करते करते थक गए होते हैं। तभी वहां पर मार्शल जीलांग आ जाते हैं, जो चुप कर टैंक्शन को ग्रीट करते हैं और फिर सभी श्रेक डेविल्स को बताते हैं, अब फूड सप्लाई से कतरा हट चुका है तो अब आप सभी को आराम करना चाहिए क्योंकि आप सभी ने पिछले कई दिनों से आराम नहीं किया है। यह सुनकर सभी मार्शल जीलांग के बातें समझ आती है और फिर आराम करने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां श्रेक डेविल्स कहीं जा रहे होते हैं और फिर महुमजिंग बोलता है, आखिर हम सभी को इतनी जल्दी जल्दी मार्शल जी लांग जिस काम के लिए भेज रहे हैं, मुझे लगता है वो हमें कहीं और बेचकर हमारी क्रेडिट लेना चाहते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि शायद महुमजिंग फूड सप्लाई की प्रोटेक्ट करने का क्रेडिट के बारे में बात कर रहा होता है। इसका रिप्ले देते हुए मुभाई कहता है, यह सभी राजनीति बात है जिसमे सभी सप्ताह पानी के लिए संघर्ष करते रहते हैं। वैसे तो हमें इन सभी मामलों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए और हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पर मुभाई और महुमजिंग का चेहरा उतरा हुआ है, यही वो सफर से बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बैटलफील्ड को दिखाया जाता है जहां पर डोलेलगरे बजाते हुए एक सोल्जर सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का संकेत देता है और सभी सैनिकों की सभी दुकड़िया अपनी सैनिक पोजीशन पर पहुँच जाते हैं। और वही एम्पायर सुबैंग अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए कहता है, मार्शल शोरूम पर को जोर से बताना है कि हम सभी हार नहीं मानेंगे और हम सब अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। अब एम्परर की इतना मोटिवेशनल भाषण को सुनकर सभी सैनिकों में जोश की लहर उठ जाती है और जोर से चिल्लाते हुए एक ही बात बताने लगती है, टियांडो आर्मी की रक्षा हो, मातृभूमि की रक्षा हो। और फिर हमें अगले सीन में जेलिंग पास का सीन दिखाया जाता है जहां पर एक कल्याण की चीफ बीबी डोंग के सामने भाव कर रही होती है और फिर बीबी डोंग को बताती है, बहुत दिनों के इंतजाम के बाद मैंने टियांडो आर्मी के कुछ कमियों को ढूंढ निकाला है जिसका फायदा मैं जल्दी उठाने वाला हूँ। यह सुनकर बीबी डोंग को कुछ राहत महसूस होती है क्योंकि अब तक बीबी डोंग टैंक्शन के पावर से बहुत दर्द में होती है क्योंकि उसे पता चल गया होता है एल्डर युगॉन भी टैंक्शन के हाथों ही मारा गया है। इसके बाद बीबी डोंग एक लंबा चौड़ा भाषण सभी सातों कल्याण को देने लगती है जिसमें वो बताते हैं कि मेरे साथों महान वॉरियर्स, आप सभी के हाथों में हमारी सेना की भाग दोह है। मुझे आप सभी पर पूरा विश्वास है, आप सभी ने मुझे निराश नहीं करोगे और तुम्हारे दुश्मन के सेना तुम्हारी आंखों के सामने उछल नहीं सकती है। तुम सभी बैटलफील्ड में इसका फायदा उठाओ और जो भी मार्शल एम्पायर की चुनौती देने की कोशिश करता है उसे जड़ से उठाकर फेंको। अब बीबी डोंग की इतना मोटिवेशनल भाषण सुनकर सभी लोग बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ते हैं और वही क्लान की लीडर अपनी टॉप मिशन सीक्रेट के साथ एक और अलग रास्ते पर निकल पड़ते हैं और वही एलिफेंट क्लान की लीडर अपनी सेना के साथ बैटलफील्ड की जगह पर निकल पड़ता है। और फिर हमें बैटलफील्ड का एक अमेजिंग व्यू को दिखाई जाता है जहां हम दोनों आर्मी की लीडर को आमने सामने देख पाते हैं और इसकी साथ ही यह एपिसोड यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं इसकी अगले एपिसोड में।